नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल शर्मा। टेक स्टफ के एक और एपिसोड में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आपको आज की वीडियो भी पसंद आएगी, बिकॉज आज की वीडियो भी भरपूर है लीक्स के साथ, बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज के साथ, और टेक की दुनिया में जो जो हो रहा है वो सारी चीजें आपको आज की वीडियो में देखने को मिलने वाली है। सो वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। 2500 का लाइक टारगेट आज फिर से हम लेके चलते हैं, फिर से उम्मीद करते हैं कि 2500 का लाइक टारगेट आज पूरा हो जाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये तो 2500 लाइक्स है। क्या होते हैं 2500 लाइक्स? आज तक हुए नहीं वैसे, लेकिन क्या होते हैं 2500 लाइक्स? मैं नहीं बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं आज की न्यूज, और Realme से शुरू करते हैं आज की न्यूज। Realme X2 स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। आप लोगों के स्मार्टफोन में एक नया ओवर द एयर या OTA अपडेट अब रोल आउट होना शुरू हो चुका है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा नवंबर का लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच और साथ में सनसेट टू सनराइज आई कंफर्ट टॉगल। ये एक इंटरेस्टिंग फीचर, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो इस लेटेस्ट अपडेट के साथ आप इसको यूज कर पाएंगे। कुछ और चेंज लॉक फीचर्स वगैरह भी हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। अगर आपके पास एक Realme X2 स्मार्टफोन है, सेटिंग्स मेन्यू में जाके जो अपडेट वाला बटन है उसको दबाओ और अपडेट करके नवंबर के सिक्योरिटी पैच के साथ सिक्योर हो जाओ। आगे बढ़ते हैं Amazfit की तरफ। Amazfit की तरफ से दो घड़ियां हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाली हैं। Amazfit की तरफ से वैसे हर हफ्ते कोई ना कोई घड़ी आती है, हर घड़ी Amazfit कोई ना कोई घड़ी लॉन्च कर रहा है। अब Amazfit लॉन्च करने वाला है चाइना में Amazfit GTS 2 mini स्मार्टवॉच की। वैसे मैं आपको स्पेसिफिकेशंस वगैरह ऑलरेडी बता चुका हूं, और ये 1 दिसंबर को चाइना में लॉन्च होगी, और इसके बाद जल्दी ही हमें Amazfit GTS 2 mini इंडिया में भी देखने को मिलने वाली है। ये रही एक घड़ी, घड़ी नंबर 1। घड़ी नंबर 2 है Amazfit BipU Pro। अब GTS 2 mini तो आ रही है चाइना में, बट BipU Pro जो है वो एशियन मार्केट्स में हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाली है, बिकॉज इंडोनेशियन टेलीकॉम सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे Amazfit BipU Pro सर्टिफाई हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं Vivo की तरफ। एंड Vivo V20 Pro स्मार्टफोन बहुत टाइम से लीक्स वगैरह इसके निकल के आते जा रहे हैं। पहले प्राइस लीक हुआ बिलो 30,000, उसके बाद लॉन्च डेट लीक हुई दिसंबर महीना, उसके बाद मतलब लॉन्च मंथ लीक हुआ दिसंबर महीना, फिर लॉन्च डेट लीक हुई 2 दिसंबर, और आज कंफर्मेशन आ चुकी है कि इंडीड इट इज 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को आपको Vivo V20 Pro स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिलने वाला है। 30,000 के अंडर इसकी प्राइसिंग होगी, ऐसा लीक्स वगैरह कह रहे हैं। सो ये 765G प्रोसेसर है, 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, 44 प्लस एक मतलब डुअल आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। अच्छा खासा स्मार्टफोन है, अभी के लिए मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट यस देखते हैं, मतलब अभी मेरे पास पता नहीं है भी कि नहीं, क्या पता हो क्या पता ना हो, बट अच्छा स्मार्टफोन ये होने के पूरे चांसेस हैं। सो 2 दिसंबर को Vivo V20 Pro स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। कितने लोग मानते हैं कि मेरे पास Vivo V20 Pro पड़ा हुआ है? कमेंट सेक्शन में आप अपना तुक्का हमें मार के बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं टेक्नो की तरफ। एंड टेक्नो यूजुअली एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स लॉन्च करने के लिए जाना जाता है, बट टेक्नो अभी गेमिंग स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है। सो मेरे लिए ये न्यूज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस स्मार्टफोन का नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, टेक्नो पोवा इस स्मार्टफोन का नाम है। पोवा, पोवा, रिंग्स अ बेल। सो टेक्नो पोवा जो स्मार्टफोन है यार, इस स्मार्टफोन में आपको एक बहुत बड़ी 6000mAh बैटरी देखने को मिलेगी, और सॉरी बैटरा देखने को मिलेगा। अब यार चलो बैटरी का बैटरा हम बनाते हैं, स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी एग्जैजरेट करती है, बट टेक्नो यहाँ पे ज्यादा ही एग्जैजरेट कर गया। वो कह रहा है कि यार ये जो बैटरी है एक सिंगल चार्ज पे इट विल लास्ट अ सेंचुरी। कमाल है, कुछ भी बोल देते हो। बट यार इसके अलावा इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा एक MediaTek Helio G80 प्रोसेसर, 18 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग, 13 मेगापिक्सल का आपको मिलेगा क्वाड रियर कैमरा सेटअप, 8 मेगापिक्सल का है फ्रंट कैमरा 5 होल में, और साथ में आपको 6GB RAM, 64GB इंटरनल स्टोरेज और Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलने वाला है। प्राइसिंग की अगर हम बात करें, स्मार्टफोन दिखने में प्रीमियम लग रहा है, वैसे आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ, बट इसकी प्राइसिंग है $149। फिलीपींस में स्मार्टफोन लॉन्च हो गया, और इंडिया में भी इसके लॉन्च होने के चांसेस हैं। अब टेक्नो पावर $149 का, तो इंडिया में वही 10,000 के आसपास लॉन्च होगा। सो अच्छा लग रहा है यार, स्मार्टफोन इंटरेस्टिंग है। आई होप कि टेक्नो इस स्मार्टफोन को इंडिया में भी लॉन्च करे। आगे बढ़ते हैं ओप्पो की तरफ। ओप्पो का एक नया एंट्री लेवल मिड रेंज 5G स्मार्टफोन जल्दी ही चाइना में लॉन्च होने वाला है। स्मार्टफोन का नाम होगा ओप्पो A53 5G। अब चाइना टेलीकॉम पे ये स्मार्टफोन ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। 4GB 128GB जो वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग होगी ₹1599, दैट इज अराउंड ₹18,000, और जो इसका 6GB 128GB वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग है ₹1799, दैट इज अराउंड ₹20,000। दिखने में स्मार्टफोन कुछ ऐसा होगा, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 16+2+2 का रियर कैमरा सेट है, 40 mAh की बैटरी है, 3.5mm हेडफोन जैक है, फुल HD प्लस यहां पे आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और वंस अगेन Android 10 पे ये स्मार्टफोन अभी के लिए रन करने वाला है। Oppo A53 स्मार्टफोन कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं एप्पल की तरफ। एप्पल ने कुछ टाइम पहले लॉन्च किए थे अपने आईपैड 2020 एडिशन। मतलब अगर आपने इनको नहीं खरीदा तो यार अच्छा किया, बिकॉज 2021 में जो आईपैड प्रो 2020 बनाएंगे वो 5G सपोर्ट के साथ लॉन्च होने वाले और एमएम वेव की सपोर्ट भी आपको इन आईपैड्स में देखने को मिलने वाली है, प्रो वेरियंट्स में। खाली जो दूसरे वाले आते हैं ना स्टैंडर्ड, उनमें नहीं, आईपैड प्रो 2021 जो होंगे वो 5G सपोर्ट के साथ लॉन्च होंगे। सो आई एम हैप्पी कि मैंने नहीं खरीदे इस बार वाले आईपैड, और यू शुड बी हैप्पी अगर आपने 2020 में कोई आईपैड नहीं खरीदा, बिकॉज 2021 में 5G इंडिया में भी थोड़ा ज्यादा रेलिवेंट हो जाएगा। सो उस टाइम पे अगर आप बात करो यार फ्यूचर रेडी प्रोडक्ट्स की, तो आईपैड 2021 वाले जो होंगे वो 2020 के कंपैरिजन में बेटर प्रोडक्ट साबित हो सकते हैं। सो मेरी सजेशन ये रहेगी, अगर आप लेने की सोच रहे थे आईपैड ये क्रिसमस या विंटर हॉलीडेज वगैरह में, प्रोबेबली यू शुड वेट फॉर अ लिटिल मोर टाइम। आगे बढ़ते हैं YouTube की तरफ। एंड YouTube के टाइम स्टैम्प्स के बारे में आई एम प्रीटी श्योर सारे ही सब लिस्टिंग्स आर्मी मेंबर्स को और व्यूअर्स को पता होगा। यार अगर मैं टाइम स्टैम्प कभी ना डाल पाऊं तो कलेश मच जाता है, भोकाल आ जाता है, लोग सारे मेरे को कहते हैं कि वेयर आर टाइम स्टैम्प्स, या फिर टाइम स्टैम्प गलत हो जाए तो भी डांट वगैरह पड़ती है। और पीपल एक्चुअली वॉन्ट टाइम स्टैम्प्स, इससे ना सॉर्टेड रहता है, आपको पता रहता है कि आप ये चीज देखना चाहते हो ये चीज नहीं देखना चाहते, सो इट्स इजियर फॉर यू। और उसके अलावा YouTube ने अब वीडियो चैप्टर्स भी रोल आउट किए थे, विच मेक्स थिंग्स ऑल द वे easier। अब यार YouTube क्रिएटर्स के लिए ये चीजों को ईजी करने वाला है, बिकॉज एक नया अपडेट, एक नया एल्गोरिदम अपडेट रोल आउट होने वाला है। अभी के लिए सेलेक्टेड YouTube क्रिएटर्स को ये मिल चुका है फीचर, मेरे को नहीं मिला। YouTube दे दो यार, मेरे को भी कुछ दे दो। और इस फीचर से क्या होगा, ऑटोमेटेड आपको वीडियो चैप्टर्स देखने को मिलेंगे और साथ में इजी टाइम स्टैम्प टैगिंग का फीचर देखने को मिलेगा। मतलब ये व्यूअर्स के लिए नहीं है, हम लोगों के लिए है, हमें ऑटोमेटेड यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सो यार हमारे लिए ईजी रहेगा, तो हम आपके लिए बेटर कॉन्टेंट भी प्रोड्यूस कर पाएंगे, आपको ईजी रहेगा देखने में, टाइम स्टैम्प्स होंगी, चैप्टर्स होंगे और गलतियां होने के चांसेस कम होंगे। अगर आप भी एक यूट्यूब क्रिएटर हैं, आपके पास भी ये अपडेट जल्द ही रोल आउट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं Xiaomi के सब ब्रांड Redmi की तरफ। है Redmi Note 9 सीरीज का जो कलेश था फाइनली खत्म हो चुका है, Redmi Note 9 सीरीज चाइना में लॉन्च होगी। अगर आप कमेंट सेक्शन बोलोगे Redmi Note 9 सीरीज तो इंडिया में लॉन्च हुई थी, तो यार आप मेरी पहले वाली टेक्स्ट अप इसका मतलब देखते ही नहीं हो। Redmi Note 9 सीरीज इंडिया में और ग्लोबली लॉन्च हुई, बट उसके बाद चाइना में Redmi कहता नहीं हम फिर से लॉन्च करेंगे, यार 9 नंबर हमें बहुत पसंद आता है, और जितने मर्जी 9 सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च कर लिए हमने पास्ट में, फिर से चाइना में 3 स्मार्टफोन्स और लॉन्च करते हैं, जबकि Redmi Note 10 सीरीज नाम आइडियली होना चाहिए था। अब फाइनली यहां पे कंफ्यूजन खत्म हो चुकी है, Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G और Redmi Note 9 Pro 5G, ये 3 स्मार्टफोन्स लॉन्च हो चुके हैं चाइना में। 999 युआन है इसके 4G वेरिएंट की प्राइस, दैट इज अराउंड 12,000 रुपीज, 11,000-12,000 रुपए। Redmi Note 9 5G जो वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग है युआन 1299, दैट इज अराउंड 14,000-15,000 रुपीज। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन इज द Redmi Note 9 Pro 5G, 108 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको प्राइमरी कैमरा मिलेगा, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, भले ही IPS LCD पैनल है, बट यार प्राइसिंग की अगर बात करें 1599 युआन, दैट इज अराउंड 18,000 रुपीज इन इंडिया। अब यार बहुत अच्छी प्राइसिंग है, बट एक जो होता है ना जिंक्स्ड स्मार्टफोन्स होते हैं, मेरे को डर ये लग रहा है कि यार ये स्मार्टफोन्स इतनी अच्छी प्राइसिंग के साथ चाइना में लॉन्च हुए हैं, कहीं कंपनी वापस से वो Redmi K30 अल्ट्रा वाला काम ना कर दे और इंडिया में ये स्मार्टफोन्स ना लॉन्च हो, ऐसा ना हो जाए। अभी के लिए आप स्पेसिफिकेशंस देखिए इन तीनों स्मार्टफोन्स की स्क्रीन पे, और कम्युनिटी सेक्शन में जाके पोल करके आप हमें बताइए कि Redmi Note 9 सीरीज की चाइनीज प्राइसिंग आपको कैसी लगी। और गाइस आगे बढ़ते हैं Redmi के कुछ और प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। तो Redmi की जो वॉच है और Mi Watch Lite भी एक घड़ी बची हुई है Redmi की तरफ से, ये दोनों घड़ियां ग्लोबली और इंडिया में जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, बिकॉज ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे Redmi Watch और Mi Watch Lite एक साथ सर्टिफाई हो चुकी हैं। मैं आपको स्क्रीन पे ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन इमेज दिखा रहा हूं, अगर आप वेट कर रहे थे इन दोनों घड़ियों में से किसी घड़ी का, अब आपको इंडिया में भी ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, 1-2 महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये दोनों स्मार्ट वॉचेस इंडिया में लॉन्च हो जाएंगी। और गाइस आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज की तरफ, बट बिफोर दैट अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड वंस अगेन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नीचे है सब्सक्राइब वाला बटन और उसके साथ जो नोटिफिकेशन वाला आइकन है घंटी के रूप में उसको दबाना मत भूलना, सो दैट आपको हमारे चैनल की हर अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके अच्छे से प्यारे से डिवाइस पे टाइम टू टाइम मिलती रहे। और गाइस वीडियो खत्म करते हैं एक बहुत ही वायरल, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से, मैं बात कर रहा हूं पबजी मोबाइल इंडिया की। 2-3 हफ्ते से वैसे इसके बारे में बातें चल रही है, पबजी मोबाइल इंडिया कब आएगी, कैसी होगी, क्या होगा, हमारा पुराना जो मैंने गिली सूट खरीदा था वो मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, व्हाट अबाउट माई व्हाटएवर मनी इन ऐप परचेजेस आई हैव डन ऑलरेडी, ये सारी चीजें अब लग रहा है जल्दी ही खत्म होने वाली है, और पबजी मोबाइल इंडिया हम लोगों के हाथ में, मतलब हमारे डिवाइस में जल्दी ही हमें देखने को मिलने वाली है। फिर से गलती से वाला फोन आप लोगों को दिखाने लगा था,
फंसूंगा मैं ऐसे। तो मैक्सटर्न एक यूट्यूबर है, पबजी मोबाइल स्ट्रीमर है, उन्होंने कुछ टाइम पहले एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि यार थैंक्स टू पबजी मोबाइल इंडिया फॉर मेन पबजी वर्जन ऐप। गाइस फर्स्ट लुक ऑफ पबजी इंडिया सून ऑन माय चैनल, सर्वर इज नॉट वर्किंग इन इंडियन वर्जन एट द मोमेंट, ATM लिखा है एट द मोमेंट, वो कार्ड वाला नहीं। सो उसके बाद इन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। ऐसा क्यों किया होगा? कितनी बार आप लोगों ने देखा है कि मैंने कोई ट्वीट डिलीट किया हो? आई एम नॉट सो श्योर आपने नोटिस किया कि नहीं, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर आपने कोई ऐसी चीज लीक कर दी पबजी मोबाइल इंडिया के बारे में, तो हो सकता है कि पीछे से उनको बोला गया हो कि इस ट्वीट को प्लीज डिलीट कर दो, ये तो लीक हो गया। लीक का काम आप लिकी स्टार मुकुल शर्मा पे रहने, तो आप क्यों लीक कर रहे हो? सो यस, यहाँ पे मैक्सटर ने, या इनका नाम है सागर ठाकुर जी, अगर आपने इनको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऑफकोर्स आप चेकआउट कर सकते हैं इफ इन केस यू आर अ पबजी फैन। सो उन्होंने इसके बारे में ट्वीट किया और वो कह रहे हैं कि देर आर सेवरल इन्फ्लुएंसर्स जिनको ऑलरेडी एक्सेस दी जा चुकी है PUBG मोबाइल इंडिया के लिए, और एक दिन पहले ही वो PUBG का गेम प्ले अपने चैनल पे पब्लिश कर देंगे। अब यार इतना सारा हो चुका है तो दैट मींस PUBG मोबाइल इंडिया इज नॉट टू फार फ्रॉम नाउ, आपको जल्द ही PUBG मोबाइल इंडिया देखने को मिलने वाली है। और वीडियो खत्म करने से पहले देखते हैं कल के बेस्ट कमेंट्स। आप लोगों के कमेंट हम लोगों को बहुत पसंद है, आज की वीडियो में भी कमेंट कीजिए सो दैट आपके कमेंट्स में ऐसे ही टेक्स्ट स्टफ में फीचर करता रहूं। और गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट पहले देख लेते हैं कल का पोल। कल मैंने आपसे पूछा था कि ट्विटर ऐप जो है, क्या आपको लगता है कि वो इंडिया में सक्सीड कर पाएगी कि नहीं? 75% लोग कह रहे हैं, 75% लोगों ने यहाँ पे कहा है कोई चांस ही नहीं है यार, कोई चांस नहीं है। और 25% लोग हैं अभी भी ऑप्टिमिस्ट जो कह रहे हैं कि यस इट कुड परफॉर्म। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं भी थोड़ा सा ऑप्टिमिस्ट हूं यहाँ पे। आई वॉन्ट कि यार चलो ठीक है रिप ऑफ मत बनाओ यार, बिल्कुल ही मतलब कॉपी मत करो, कुछ नया करो यहाँ पे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ट्विटर में आप ट्वीट्स को एडिट कर सकते हैं। सो कुछ नया है, अच्छा है बुरा है वो मेरे को नहीं पता, बट मैंने अकाउंट बनाया है, 100 स्टाफ लिस्टिंग्स आर्मी के मेंबर ज्वाइन कर चुके हैं वहां पे मेरे को। अब देखते हैं ट्विटर का फ्यूचर क्या होता है, बट अभी के लिए तो चलो चल रहा है, जो है जैसा है यही है। ओके इस वीडियो करते हैं खत्म, बट पहले देख लेते हैं स्टफ यू शुड नो बिकॉज दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। प्रशांत गर्ग जी ने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोगों को प्रोवाइड किया, वो कह रहे हैं 29th मई इज ऑफिशियली कॉल्ड पुट अ पिलो ऑन योर फ्रिज डे। ऑन मतलब ऊपर या बीच में, मतलब सपोज ये मेरा फ्रिज है तो इसके ऊपर 29th मई को आप एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें आप अपना तकिया जो है ना उसको अपने फ्रिज के ऊपर रखते हैं, बीच में नहीं डालते, मतलब ऊपर रखते हैं। सम इंटरेस्टिंग और वियर्ड और बिजार स्टफ दैट वी ऑल शुड नो, मेरे को इसके बारे में नहीं पता था क्यों ऐसा किया जाता है, लॉजिक क्या है। अगर किसी को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, आपके कमेंट को फीचर करने में मुझे भी बहुत खुशी होगी। सो गाइस ये थी सुबह की टेक स्टफ, आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं शाम को 5:50 पे, टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, पीस। अब मैं जाके गेम ऑफ थ्रोन्स देखूंगा आज, मैं पता है यू वोंट बिलीव बट मैंने आज तक गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा था, एंड स्टाइलिस्टिंग्स सजेस्टेड मी टू वॉच इट, सो बिकॉज शी सेड विंटर इज कमिंग, सम वियर्ड रेफरेंस शी गेव मी, सो आई थॉट ओके ठीक है कुछ देख के देखते हैं, और अब मेरा इंटरेस्ट वगैरह बन गया है। सो प्लीज़ अब मैं जाके देख रहा हूँ, आप लोग घर का काम, घर पेरेंट्स वगैरह की हेल्प करो, पढ़ाई करो अच्छे से। वीडियो पसंद आई तो वंस अगेन वीडियो को लाइक वगैरह कर देना। यही बैठा हूँ मैं 5:50 पे, फिर से मिलेंगे। ओके okay.